हाँ मित्रों नमस्कार, मैं डीपी यार आपका इस यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो समस्या आ रही थी इसका मेरे को सॉल्यूशन मिल गया है। इसको आपको ओके करना है और यहाँ पर देखिए फिर नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद इसको देखो पॉपअप होगा यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर, इस पर यहाँ साइड में आके, तो उसको एक्सेप्ट करना है जैसे मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ। और इसके बाद इसको यहाँ पर करना है यस, और इसके बाद यहाँ पर करना है इसको नेक्स्ट, और फिर आपको यहाँ पर करना है ई साइन डिक्लेरेशन, तो फिर यहां कर देना है ओके। अब ये दूसरे पेज पर ले जाएगा आपको, और उस पर ले जाके यहां आपको कैंडिडेट का आधार कार्ड नंबर डाल देना है, जो भी नंबर है उनका आप डाल दीजिए। और इसको डालने के बाद नंबर एकदम सही होना चाहिए जिससे कि कोई समस्या आगे आए ना, क्योंकि फिर वो पोर्टल बार बार परेशान करता है। तो यहाँ पर आधार ओटीपी पर क्लिक करना है और यहाँ से ऐसे करके सेंड ओटीपी भेजना है। तो जो आधार कार्ड पर नंबर लगा होगा उस आधार कार्ड पर नंबर पे ये ओटीपी पहुँच जाएगा, और वो ओटीपी हमें यहाँ पर इसमें डाल देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ओटीपी आ चुका है और हम इसको इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसको टिक करना है यस पे, यहाँ पे ये साइन लग रहा है आई हियर बाई स्टेट दैट आई, जो आपको एक्सेप्ट करना है इसको, और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये इस तरीके से ये कुछ प्रोसेसिंग होगी, और इसके बाद में ये इसकी जो समस्या आ रही थी डिक्लेरेशन वाली, ये ई साइन आपका सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, डिक्लेरेशन फाइल्स ई साइंड सक्सेसफुली। दैट मीन्स यह जो परेशानी आ रही थी बार बार खुलने में दिक्कत हो रही थी, पोर्टल को खोलने नहीं दे रहा था, तो ये परेशानी यहाँ पर अब ये खत्म हो गई। इस तरीके से यहाँ पर जो एक्नॉलेजमेंट है वो फाइनली सबमिट हो गया। इसके बाद हमें फिर लॉगिन करना है। अब लॉगिन करके देखना है कि जो समस्या आ रही थी वो चली गई या ऐसे ही बरकरार बनी हुई है। तो इसके लिए आपको दोबारा लॉगिन करना है, और दोबारा लॉगिन करने के बाद देखना है कि हाँ क्या आ रहा है। तो देखिए वो आप ये इसमें ओके कर दीजिए, और यहाँ पर इस तरीके से आप इसमें आगे जाके लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा कर पाएंगे। यहाँ पर आप सर्विस जो भी आपने अप्लाई करी है उसको ट्रैक कर पाएंगे, और यहाँ पेंशन स्लिप निकाल सकते हो आप महीने की, और यहाँ पर आप पर्सनल डाटा इसमें अपडेट कर सकते हो। देखिए इसकी वीडियो में अलग से सेव बनाऊंगा। तो इसमें क्या करना है, कैंडिडेट का पैन कार्ड और उनका मेल आईडी, और फिर जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि स्पाउस के पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उनका भी आधार कार्ड और उनका भी पैन कार्ड, ये चारों की एक पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करनी है, तो उसकी वीडियो में अलग से बना दूंगा। तो उस वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।